हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं टिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कौन सा ट्रेंड में चल रहा है और कौन सा रेंज में मार्केट चल रहा है उसका ऊपर, और हम देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकते हैं क्रूड ऑयल आज के लिए और एसएल कहां लगा सकता है। तो यहां पे पहले हमको देखना पड़ेगा मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ से हमें कन्फर्म हुआ है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मूविंग एवरेज का ऊपर में चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज का कंटिन्यूस ब्रेक तो ऊपर में चल रहा है, तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। तो अप ट्रेंड चल रहा है लेकिन कौन सा रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पे हमें दो रेंज मिला हुआ है। तो हम देखेंगे पहले बड़ा वाला रेंज। तो आप देख सकते हैं बड़ा वाला रेंज जो है हमें ये रेंज में चल रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 4400 के आसपास, तो नेक्स्ट रेंज। सो क्योंकि यहाँ पे हमें अगर कनेक्ट करके देखा तो रेजिस्टेंस लाइन, तो हमें मिला हुआ है एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे अराउंड 4300 और 4200 का आसपास, राइट। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। और लार्ज टाइम फ्रेम में देखेंगे सपोर्टिंग लाइन, आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन मिला हुआ है, राइट। तो ये सपोर्टिंग लाइन, तो हमें जो ट्रेड करना है तो इस रेंज में ही ट्रेड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाय लेना है क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। तो जब रिट्रेसमेंट करेंगे मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, जब रिट्रेसमेंट करेंगे हम बाय करेंगे, ऊपर जाएंगे तो बुक करेंगे और रिट्रेसमेंट करेंगे फिर से बाय और सेल, ये हम यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लार्ज टाइम फ्रेम, और इस लार्ज टाइम फ्रेम का अंदर में एक छोटा वाला रेंज में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा वाला एक रेंज में चल रहा है मार्केट, राइट। तो नेक्स्ट टारगेट हमें रहेगा यहाँ पे, तो अराउंड 4200 के आसपास तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। तो ये हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस मार्केट बिहेवियर को देखे, तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंज चल रहा था यहाँ पे, तो इसका बीच में हमें और एक रेजिस्टेंस लाइन मिला था, ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन हमने यूज किया था, राइट। तो मार्केट यहाँ से जो लोअर जो सपोर्टिंग पॉइंट आया, फ्यूचर रेजिस्टेंस का आसपास गया, फ्यूचर रिट्रेसमेंट किया, उसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करके फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का पास जो पहले रेजिस्टेंस था ये अभी सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो ये सपोर्टिंग स्ट्रांग सपोर्ट मिला है छोटा वाला रेंज में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय जा सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट हमें कहाँ लगा सकते हैं अराउंड 4250 का आसपास हम टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एंट्री किया तो यहाँ पे इसके लिए इसका थोड़ा नीचे है जो लोअर पॉइंट है, इसका नीचे में एसएल लगाएंगे और यहाँ पे एंट्री जो टारगेट रहेगा यहाँ जैसे 4250 का आसपास हम लोग का टारगेट है, क्योंकि अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है और इसे जा सकता है, क्योंकि ये पैटर्न मैंने शायद टू टू थ्री वीक पहले दिया था जब मार्केट यहाँ पे था, ये एरिया में था, तभी बताया था मैं ये एक रेंज में चलने वाला है मार्केट, ठीक है। तो अगर इसको प्राइस इसका ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है अगर ये लोअर पॉइंट को ब्रेकआउट किया तो हमें बाय नहीं लेना है, क्योंकि वेट करना है ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन है। तो यहाँ से फिर से अगर यहाँ पे भी हमें मार्केट अगर मिल गया तो यहाँ से फिर से बाय लेंगे तो नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पे, राइट। तो इधर हम देखेंगे हम अभी एंट्री पॉइंट के लिए, तो एंट्री पॉइंट के लिए हमें अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट जस्ट मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ 15 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक कल का एक हायर पॉइंट था, राइट। तो अगर हम बाय करना है तो कल का हायर पॉइंट का ऊपर ही बाय लेंगे, राइट। नहीं तो, और कभी कभी क्या होता है ये जो 200 का मूविंग एवरेज है ना, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ से फिर से 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए तो भी हम यहाँ पे बाय लेंगे, और इसका जो लोअर पॉइंट था तो उसका नीचे हम एसएल लगा के मार्केट जो हमारा 4200 का वहाँ तक हम छोड़ सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।